सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एससी एसटी के आरक्षण पर बवाल मचा हुआ है। कई संगठनों ने भारत बंद का आयोजन किया, जिसमें गिरिडीह में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। बंद के दौरान कई दुकानें बंद रहीं तो कई खुली भी रहीं। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि आम लोगों को इस बंद से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान पर हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड, झारखंड का चक्का जाम रहेगा, जाम रहेगा, जाम रहेगा। आज भारत बंद रहेगा। वादा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिना नासाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरक्षण के खिलाफ साजिशें रची जा रही है, पूरे देश में संविधान पर प्रहार किया जा रहा है, उसको लेकर जो एससी एसटी संगठनों ने बंद बुलाया है, हम उस बंद का पूरी तरह समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बंद का समर्थन करती है और आज उसी क्रम में, भारत बंद के क्रम में आज पूरा गिरिडीह बंद है और कांग्रेस पार्टी के हमारे सैकड़ों सिपाही और झामुमो और अन्य गठबंधन के सारे सिपाही हमारे निकले हुए हैं। और सरकार जो पिछले रास्ते से संघ के लोगों को लेटरल भर्ती के माध्यम से जो बहाली कर रही है, उस पर हमारा विपक्ष एक साथ है और हमने उसको बंद करने का काम किया है। और हमारे डर से सरकार ने कल उस विज्ञापन को रद्द किया है, जिस पिछले रास्ते से आईएएस सर की नियुक्ति विभिन्न पदों पर सरकार कर रही थी। और हमारी विपक्षी एकता है और हम सरकार, ये हमें जनादेश मिला है कि सरकार को अपने कंट्रोल में रखना, और हम रखेंगे और पूरी तरह से संविधान की रक्षा, दलितों पिछड़ों के अधिकार की रक्षा, आदिवासियों के अधिकार की रक्षा हम करेंगे। इसके लिए हम कृत संकल्प। सुप्रीम कोर्ट का दोहरी नीति के कारण आज पूरे भारतवर्ष में एससी एसटी दलित समाज, शोषित समाज, सभी समाज के लोग आज सुप्रीम कोर्ट का फैसले के नाराजगी में 21 अगस्त 2024 को पूरे भारत में बंद करने का आह्वान किया है। इसी क्रम में आज गिरिडीह में दलित समाज के सैकड़ों संगठन आज भीम आर्मी, भीम सेना, एससी एसटी मोर्चा, रविदास महासभा और भी तमाम हजारों संगठन के लोग आज गिरिडीह में रोड पर उतर के गिरिडीह का चक्का जाम हम लोग कर दिए हैं। और हम इस विरोध मार्च के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट को आगाह करने चाहते हैं कि यह अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। यदि इस नियम में संशोधन नहीं किया, पुनः वही लागू नहीं किया, तो दलित समाज के लोग भारत में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। धन्यवाद। मिनी लंदन, मैक लुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा
ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।